उधा मोहि व्रज विसरत। बड़ी सुंदर चिट्ठी यशोदा मैया को लिखी, एक चिट्ठी नंद बाबा को लिखी और एक चिट्ठी सब ग्वालाओं को अलग से लिखी और राधा के लिए एक स्पेशल अलग से प्रेम पत्र लिखा है कृष्ण ने। उद्धव ने सुंदर मुकुट बांधा, सुंदर मुकुट उद्धव ने बांधा, हाथ में वंशी भगवान कृष्ण की कारी कमरिया, कृष्ण का पत्र संदेशा लेके ब्रज की ओर उद्धव चले। ब्रजवासी इंतजार कर रहे थे उसी रास्ता पर कृष्ण आ रहे हो। अरे भैया, जैसे उद्धव के ऊपर ब्रजवासियों की नजर पड़ी, ओ लाला कृष्ण आएगे हो, अरे मित्र, अरे मधुमंगल दादा कन्हैया आएगे हो। वाह, ब्रजवासी झाड़ियों से निकल निकल के भागे। एक सबसे छोटा मित्र मधुमंगल झाड़ी में छुप के बैठ गया, परसों की खे के गया, एक महीने बाद आ रहा है, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। उद्धव नजदीक आए तो दिल में भाव आया, नाराज तो बाद में बोलूंगा, पहले अपने मित्र के चरण छूंगा। झाड़ी से निकल के भागा कृष्ण मित्र, लेकिन देखा आंखें फाड़ के, वो कृष्ण नहीं उद्धव है। वो ग्वाला टक टकी बांध के देखते खड़े रह गए। भैया कहा लाला नहीं आयो। उद्धव ने कहा आएंगे। भैया कब आएगो? परसों का वादा करके गया था, बरसे बीत गई, तुम्हें भेजा है। किस लिए भेजा? मधमंगल बोलो कभी मेरी याद करता है या नहीं, एक बार बताइयो लाला अपने मुंह से। उद्धव बोले हाँ भैया, ये कहता है मधमंगल मेरे सबसे छोटो सखा है। श्री दामा बोलो भैया कभी जा निर्दयी श्री दामा की भी याद करी कृष्ण ने ना करी। भैया का मेरी बुराई तो कृष्ण ना करे, सबसे ज्यादा झगड़ो मित्र के साथ मेरो ही हो तो। भैया कावा ने मेरी बुराई तो ना करी। भारे वाह, उद्धव खड़े खड़े सोचने लगे, वाह क्या अनन्य प्रेम ब्रज गोपों का है। मनसुखा बोलो रे लाला देख, इस वृक्ष पर चढ़ के हम खेलते थे, मधुमंगल उंगली पकड़ के लुवाए के ले गो। देख दादा जब वृक्ष की टहनी पर बैठ के हम झूला झूलते थे, उंगली पकड़ के ले गो। देख दादा ये श्यामा जो गाय है या को दूध लाला पी तो कुछ आगे और लेके गया। भैया देख ये बछिया बछड़ा सब बा कृष्ण के वियोग में घास भी नहीं चरते, खड़े खड़े ही पूरे दिन प्रतीक्षा मथुरा की ओर करते ही आ रहे होंगे। कुछ वाला दौड़े दौड़े उंगली पकड़ के चलो नंद भवन की ओर लेके गए। क्या देखा? नंद भवन में बीचों बीच भवन में यशोदा आंसुओं से धार बह रही। लाला देखो मैया, अरे मैया देख, उद्धव तेरो लाला को संदेशों लेके आए हो। भैया यशोदा ने देखो उद्धव कृष्ण कृष्ण, बस नंद के हाथ में माला। धीरे धीरे उद्धव ने देखा नंद महलों से एक ही आवाज आती है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक एक माला के मोती पर कृष्ण कृष्ण, दूसरी आवाज ही ब्रज से नहीं आती। नंद उठ के खड़े हो गए, उद्धव लाला नहीं आए, आएंगे ये पत्र भेजो है। नंद ने पत्र लियो, उस पत्र को स्वयं कृष्ण समझ के छाती से लगा लियो। उस पत्र में स्वयं कृष्ण की मोहिनी मूरत, नंद हृदय से पत्र को लगा के आंगन में बैठ गए। यशोदा से कही मैया तो को अलग से पत्र भेजो है। उस पत्र को लेके यशोदा ने छाती से लगाए लियो।
उठी यशोदा, पाल्ला की ओर गई, पाल्ला को हाथ से पकड़ के सर लगा के रोने लगी। उद्धव ने धैर्य बनाया, माँ कृष्ण बहुत याद करते हैं तुम्हारी। भैया सखाओं से पूछा राधा का घर किधर है। राधा के पास बहुत सखियां चारों ओर घेरा बना के समझाती रहती थी, राधा कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो, जरूर आएंगे कृष्ण। राधा के महलों से एक निर्मल धार जल की बही आ रही, जो कि सखियाओं के उन ब्रज गोपांगनाओं के आंसू है। अरे भैया, राधा ने देखा कृष्ण की ओर, उद्धव चले आए। पूछा, उद्धव क्या कभी मेरी याद कृष्ण करते? उद्धव के आंसू निकल पड़े। राधा, जिस समय मैं आया तो कृष्ण बहुत रोए, पत्र लिखते हुए कृष्ण के आंसू पत्र पर गिरे। राधा अगर विश्वास नहीं है तो ये पत्र तुम्हारे लोग अलग से भेजो है, और यह पत्र पे कृष्ण के लिखते हुए ये आंसू पड़े हैं, आप भी देख सकती हो। राधा समझ गई, कृष्ण ने दो आंसू तो मेरे लिए पत्र में भेजे, धन्य है वो। राधा को वो उपदेश उद्धव ने दिया, राधा वो कृष्ण साधारण नहीं, वो ब्रह्म है, वो साकार है, निराकार है। तुम कृष्ण के प्रेम अतीत अटूट बंधन को छोड़ करके उस परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाओ। नंद और यशोदा ने कहा, अरे उद्धव क्यों पागल बनते, तू एक बूढ़ी माँ यशोदा को ना समझा पाया, तू एक बूढ़े नंद को नहीं सांत्वना दे सका, तुम इन ब्रज गोपिकाओं को तू क्या समझा सकता है, वो तो कृष्ण नाम की दीवानी। सज्जनों, उद्धव को एक महीना हो गया, ब्रजवासी बड़े खुश हैं, यही सोचते हैं कि उद्धव हमारे कृष्ण हैं। क्यों मुकुट काली कमली बंसी, कहां उद्धव ये कह रहे थे कि मैं एक दिन भी नहीं काट सकता, और आज उद्धव को एक महीना हो गया, जाने को मन नहीं करता गोकुल से मथुरा की ओर। इतना अनन्य प्रेम उद्धव को ब्रजवासियों का मिल रहा है। राधा सोचा करती है, हे गोविंद कब आओगे, कन्हैया कब आओगे, सोचा करती हैं और बार बार विचार भी किया करती हैं। सोचा करती हैं कि मनमोहन तेरे मिलने का मधुबनी ही गोवालों में दूध
नदियों की लहरों में, जय हो नदियों की लहरों में, श्याम का ठिकाना है, सागर से मिलने का सत्य संग एक बहाना है, सागर से मिलने का हरि बोल। इस तरह से सब गोपांगनाएं प्रभु कृष्ण की याद करती है कि बैठे